नेक्स्ट हमारा है, मैंने आपको बोला डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये दो चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगी इसमें, है ना, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो उसको हम इन डिटेल यहाँ पे समझ लेते हैं पहले से ही, ताकि हमको बाद में जाके कोई भी डाउट यहाँ पे क्रिएट ना हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे, हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ क्या बोल रहा है, देखिए डिविडेंड। डिविडेंड दो तरीके का हो सकता है, मैंने पहले ही आपको बताया है। एक होता है डिविडेंड जो कि आप पे कर रहे हैं, दूसरा होता है जो कि आप रिसीव कर रहे हैं। जो डिविडेंड आप पे करते हैं वो किससे रिलेटेड होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, है ना, क्योंकि हमने अपने बिजनेस को फाइनेंस किया है थ्रू शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो इन प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के लिए हमको क्या पे करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है। ये डिविडेंड जब आप पे करेंगे तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट होता है डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव कब होता है आपको, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी और कंपनी के शेयर्स पे, तब आपको डिविडेंड रिसीव होगा। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम इसको ऐड करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड पेबल। अब हम डिविडेंड पेबल को इन डिटेल देखेंगे, बाद में हम डिविडेंड रिसीव्ड पे जाएंगे। डिविडेंड पेबल जो है वो करेंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी। आपको मैंने दिखाया, जैसे बैलेंस शीट के अंदर आपको करेंट ईयर का डिविडेंड पेबल दिखाएगा और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पेबल दिखाएगा। तो ये जो प्रीवियस ईयर का होता है वो हम करेंट ईयर में पे करते हैं और इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो करेंट ईयर का होता है उसको हम प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट है, इसमें ऐड कर रहे हैं डिविडेंड पेबल इन करेंट ईयर, तो उसी की बात कर रहे हैं हम, ताकि हम कहाँ पहुँच सकें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम पे। तो हम ऐड कर रहे हैं इन प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट टू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे नोट्स ज़्यादा है नहीं, तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, @CMAjunction, वहाँ पे टेलीग्राम पे जाइए, @CMAjunction सर्च मारिए और वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं, ये तो बात हो गई करंट ईयर प्रीवियस ईयर की, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और आप कहाँ फंसते हैं। सबसे पहले बोल रहा है हमको यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल है आपके पास 7,02,020 का, मतलब प्रीवियस ईयर का, और 2021 का 8,50,000, ठीक है। मैं एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि अनक्लेम डिविडेंड हमको नहीं दिया हुआ, तब क्या ट्रीटमेंट होगा सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। हमारे पास है डिविडेंड पेबल अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है, बाद में समझाऊंगी मैं, पहले हम इतनी चीज़ें समझ लेते हैं। डिविडेंड पेबल दिया है 7,08,50,000, क्या होगा ट्रीटमेंट हम अकाउंट बना के देखेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए डिविडेंड पेबल क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तब हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी कम होती है तब हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। सो सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय बैलेंस बॉट डाउन, कितना अमाउंट है प्रीवियस ईयर का 7 लाख, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना अमाउंट है करेंट ईयर का लास्ट 8,50,000। अगर नॉर्मल क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डिविडेंड पेबल इतना इतना, तो क्या होगा, तब हम बोलते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर का है वो तो आप इस साल पेमेंट कर देंगे, तो आप लिख लीजिए टू बैंक अकाउंट 7 लाख रुपीज। नेक्स्ट आता है जो ये करंट ईयर का है, हम क्या करेंगे P&L अकाउंट से हम इसको निकालते हैं, P&L अकाउंट से निकाल के अलग रखते हैं, है ना। तो ये 8,50,000 हमने लिख दिया। अब देखिए जो बैंक अकाउंट वाला लिखा है ये आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्टली चले जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, इनडायरेक्ट मेथड में दो चीज़ें ढूंढते हैं, पहला होता है बैंक, दूसरा होता है P&L अकाउंट। तो देखिए ये जो बैंक वाली चीज़ है कहाँ जाएगी, हमने पेमेंट किया है तो फाइनेंसिंग के अंदर इसको कर दो माइनस। नेक्स्ट आता है P&L अकाउंट वाली चीज़, 8,50,000, इसको हम क्या करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम निकालते समय आप क्या करेंगे इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, हम क्या चीज़ें ढूंढ रहे हैं, बैंक और P&L अकाउंट। जो भी अकाउंट आप बनाएंगे उसमें दो ही चीज़ आपकी काम की है, एक बैंक, दूसरा P&L अकाउंट। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ आपके डेबिट साइड में आती है वो ध्यान रखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा माइनस होगा, और जो भी चीज़ आपके क्रेडिट साइड में आती है वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा ऐड होगा। कौन सी दो चीज़ें हैं जो आएंगी, बैंक और P&L अकाउंट। उसके अलावा बैलेंस हो और कुछ चीज़ें हो, कोई भी हमारा कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ बैंक और P&L अकाउंट हमारा काम का है, ठीक है।
सो इस तरीके से आपका रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं हम अनक्लेम डिविडेंड वाली चीज क्या दी हुई है, समझिए। डिविडेंड पेबल दिया हुआ है 7,08,50,000, अनक्लेम्ड डिविडेंड दिया हुआ है 40,000। अब ये अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है? अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब ऐसा डिविडेंड जो कि हमने ऑफर तो किया। फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड क्या कर रही है? डिविडेंड पे कर रही है करंट ईयर में। करंट ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2021 वाला, मतलब 2020-21 हम बोल सकते हैं। इस समय वो डिविडेंड पे कर रही है। सबसे पहले बताइए कौन सा डिविडेंड पे करेगी? प्रीवियस ईयर वाला पे करेगी। तो जब वो पेमेंट करने गई तो उसका एक शेयर होल्डर था मिस्टर ए, उन्होंने बहुत ढूंढा, ABC लिमिटेड ने बहुत ढूंढा, ए मिस्टर ए मिला ही नहीं उनको। तो ये जो मिस्टर ए को उनको डिविडेंड पे करना था, ये डिविडेंड पे ही नहीं हो पाया क्योंकि ये अनक्लेम्ड रह गया, ना ही वो मांगने आए, हमने ढूंढा तो वो मिले भी नहीं, इसलिए क्या हो गया, ये डिविडेंड हमारा अनक्लेम्ड हो गया। इसलिए क्या करेंगे हम, ये जो डिविडेंड है इसको यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे समझिएगा, देखिए अब आती है बात अनक्लेम डिविडेंड वाले की, है ना। सबसे पहले डिविडेंड पेबल में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है, बाय बैलेंस बॉट डाउन। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 7 लाख। टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये अमाउंट आपके पास अवेलेबल है 8,50,000। सिमिलर वे अनक्लेम डिविडेंड भी हमारी लाइबिलिटी होती है, तो सेम ऐसा ही रिकॉर्ड होगा, बाय बैलेंस बॉट डाउन ये हमारा निल है, टू बैलेंस कैरीड डाउन ये हमारा आपको दिया हुआ है 40,000। हमने क्या बोला, जो डिविडेंड इस साल हमको पेमेंट करना है, कौन सा डिविडेंड हम इस साल पे करते हैं, ये 7 लाख। ये 7 लाख में से हमारा अनक्लेम्ड कितना रह गया? अनक्लेम्ड रह गया 40,000 रुपीज, ठीक है। तो ये 40,000 हम लिखेंगे यहाँ पे डिविडेंड पेबल अकाउंट, 40,000 रुपीज हमारा अनक्लेम्ड रह गया, यहीं से यह बैलेंस यहाँ पे आया है। सिमिलर वे में यहाँ बाय डिविडेंड पेबल लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। कितना अनक्लेम्ड है? 40,000 रुपए अनक्लेम्ड है, मतलब बचा हुआ अमाउंट हमने क्या किया होगा, पेमेंट कर दिया होगा। कौन से वाले अमाउंट से देख रहे हैं हम? प्रीवियस ईयर के। तो 7 लाख में से 40,000 हम गए लेकिन वो लिया नहीं, या फिर वो मिला ही नहीं हमको, तो अनक्लेम्ड रह गया। और बचा हुआ 6,60,000 हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया। और ये वाला जो है 8,50,000 वो हम क्या करेंगे, इस साल P&L अकाउंट से निकाल के अलग से रख देंगे। तो अब बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा, हम क्या ढूंढ रहे हैं, सिर्फ बैंक और PL अकाउंट। तो यहाँ पे अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में क्या कहीं बैंक और PL दिख रहा है? आंसर इज नो। तो यहाँ से कुछ भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। अन डिविडेंड पेएबल अकाउंट में क्या कोई बैंक और PL दिख रहा है? क्या आंसर इज यस। तो ये वाला बैंक कहाँ जाएगा, पेमेंट किया है फाइनेंसिंग के अंदर से डिडक्ट होगा। ये P&L अकाउंट वाला कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जब हम निकालेंगे वहाँ से ऐड होगा। देख सकते हैं यहाँ जो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ उसको आप माइनस करते हैं, क्रेडिट साइड में जो रिकॉर्ड हुआ उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला चीज। अब आते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे हमारे पास है डिविडेंड पेबल, साथ साथ है हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। ध्यान दीजिएगा, ये डिविडेंड पेबल अलग चीज़ होती है, इंटरिम डिविडेंड अलग चीज़ होती है। हमको पता है जो डिविडेंड पेबल होता है वो इस साल का हम अगले साल पे करते हैं, लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो हम इसी साल का इसी साल के अंदर पे कर देते हैं। तो दोनों के लिए अलग अकाउंट बनेगा, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डिविडेंड पेबल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस बॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 8 लाख रुपीस, टू बैलेंस कैरीड डाउन यह आपको दिया हुआ है 13 लाख रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट यहाँ कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा इंटरिम डिविडेंड के कारण। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, कितना 8 लाख रुपए हम इस साल पेमेंट करेंगे, और PL से कितना निकालेंगे, टू P&L अकाउंट हम 13 लाख रुपीस PL से निकालेंगे। तो ये जो बैंक अकाउंट वाला चीज़ है ये कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग के अंदर आप इसको माइनस करेंगे, और ये PL वाली चीज़ हम ऑपरेटिंग के अंदर ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग के अंदर कहाँ ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते समय इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया डिविडेंड पेबल के बाद। अब आते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना पे किया हमने, 2 लाख रुपए पे किया। तो पे किया मतलब बैंक से पैसे जाएंगे, तो टू बैंक अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा इंटरिम डिविडेंड के अंदर। कितना पे किया है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए हमारे पास से गए, हमने कहाँ से निकाला, P&L अकाउंट से निकाला 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए इसी साल दे दिए। तो ये जो अमाउंट है ये जाता है हमारे ऑपरेटिंग के अंदर ऐड होगा,
देखिए क्रेडिट साइड वाली चीज हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, और ये जो बैंक से आपने निकाला है ये आपके फाइनेंसिंग में जाके डिडक्ट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा केस। अब आते हैं, ये तो बात हो गई हमारे डिविडेंड जो कि पेबल है किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें हमने देख ली, डिविडेंड पेबल, इंटरिम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, तीनों चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं डिविडेंड रिसीव्ड वाले केस में, हमको क्या हुआ है, अब डिविडेंड रिसीव हुआ है। डिविडेंड रिसीव जो आपको होता है वो दो तरीके का हो सकता है, पहला तो पोस्ट एक्विजिशन, दूसरा प्री एक्विजिशन। अब ये दोनों क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपको दो ईयर्स दिए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है। 1 January 2020 से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 December 2020 को एंड हो रहा है। क्या हो रहा है समझिए, यहाँ पे हम अमित की बात कर रहे हैं। 1 July 2020 को अमित ने परचेस किए हैं 5000 शेयर्स ऑफ रिलायंस फ्रॉम मोहन। अमित ने क्या किया, अमित गया मोहन के पास, मोहन को बोला मोहन तेरे पास रिलायंस के 5000 शेयर्स है ना, मुझे 500000 में बेचेगा। मोहन ने बोला ठीक है तू ले जा। तो 500000 रुपये में अमित को क्या हुआ, शेयर्स मिल गए रिलायंस के। किससे खरीदा है उसने, उसने खरीदा है मोहन से, ठीक है। तो मोहन से उसने खरीद लिया, कब खरीदा, 1 July 2020 को। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आया 1 January 2021 को, क्या हो रहा है देखिए, 15 April 2020 को अमित को रिसीव हुआ डिविडेंड ऑफ 50,000 फ्रॉम रिलायंस। हमको पता है, क्या पता है हमको, कि प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड करंट ईयर में रिसीव होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, फॉर 2020 के लिए हमको 15 April 2021 को क्या रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है 50,000 का। किसको रिसीव हुआ है, अमित को, क्योंकि 5000 शेयर्स किसके पास थे, अमित के पास। ध्यान दीजिएगा, वेदर इट बी अ डिविडेंड और इंटरेस्ट रिलेटेड टू डिबेंचर्स एंड शेयर्स, शेयर से रिलेटेड क्या होता है डिविडेंड, और डिबेंचर से रिलेटेड क्या होता है इंटरेस्ट। तो ये जिसके भी हाथ पे डिबेंचर्स या शेयर्स होंगे उस दिन जब डिविडेंड दिया जा रहा है उसी को पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो 2020 का डिविडेंड पूरा का पूरा इन 5000 शेयर्स पे किसको मिल गया, अमित को। लेकिन ध्यान दीजिए, अमित के पास 2020 में शेयर्स कब आए थे, 1 July को आए थे, मतलब इस पीरियड के लिए तो अमित के पास थे ये शेयर्स, लेकिन इससे पहले वाले पीरियड के लिए उसके पास शेयर्स नहीं थे। तो ये कहलाएगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन मतलब जब हमारे पास शेयर्स आए नहीं थे, हमने एक्वायर नहीं किया था, उससे पहले वाला पीरियड, और ये कहलाएगा हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। तो जो भी डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड होगा उसको हम पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बोलेंगे, जो भी डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड से रिलेटेड होगा उसको हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो 2020 का डिविडेंड मिल रहा है मोहन को 50,000 रुपये, उसमें से आधा किसका है पोस्ट एक्विजिशन का और आधा किसका है प्री एक्विजिशन का, अगर डिवाइड करना चाहें। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मुझे निकालना है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, तो कितना डिविडेंड मिला है मुझे, 50,000 रुपये डिविडेंड मिला है इन टोटल, ठीक है। ये पूरे पीरियड के लिए मिला है जिसमें से मुझे सिर्फ यहाँ तक का डिविडेंड निकालना है 1 July तक का, तो ये 6 months है, तो 6/12 अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे 25,000 रुपीज मुझे मिल जाएगा, जो कि पोस्ट एक्विजिशन है। सिमिलर वे में प्री एक्विजिशन डिविडेंड बचा हुआ अमाउंट, दैट इज 25,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, ये अमाउंट हमने निकाल लिया। अब क्या, हमने ये चीज़ें निकाली क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे, वो भी समझना ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी डिविडेंड, सॉरी थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड है और ये हमारा पोस्ट एक्विजिशन है, ठीक है। पोस्ट मतलब बाद वाला, प्री मतलब पहले वाला, प्री एक्विजिशन है ये पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अमाउंट सेम है। प्री एक्विजिशन मतलब पहले का पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन मतलब एक्वायर करने के बाद वाला पीरियड, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन जो डिविडेंड होता है वो नॉर्मली हमारे लिए क्या करता है, उस टाइम पे क्या हमारे पास शेयर्स थे, आंसर इज नो। तो शेयर्स से रिलेटेड अमाउंट मिला है ये हम नहीं बोल सकते, हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मली उस टाइम पे हमारे पास शेयर्स नहीं थे फिर भी वो डिविडेंड हमको मिल गया, इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है हमारा, कितना इन्वेस्ट किया है अमित ने, 500,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से हम इसको डिडक्ट कर देते हैं। दूसरा जो पोस्ट एक्विजिशन का होता है, ये हमारी इनकम मानी जाती है और पीएल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अब पीएल के अंदर रिकॉर्ड किया गया है मतलब हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में भी ये शो हो रहा होगा, है ना।
तो इस अमाउंट को हमको क्या करना पड़ता है, वापस से ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है हमारा है ही नहीं, है ना, हमको इसके अंदर रिकॉर्ड ही नहीं करना है पीएल के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। किससे रिलेट करता है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। ये एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो डायरेक्टली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये आपने पहले पीएल के अंदर रिकॉर्ड किया था इसलिए इसको पीएल से हटाओ, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। ये एक चीज हमने यहाँ पे लिखी है, देखिए, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, हम क्या करते हैं इसको पी एंड एल अकाउंट में डाल देते हैं क्योंकि ये इनकम है कंपनी की, और पी एंड एल अकाउंट में आपने ऐड कर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड करोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। प्री एक्विजिशन डिविडेंड आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, डायरेक्टली आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दो ट्रीटमेंट होगा, पहला तो ऑपरेटिंग से माइनस करो और इन्वेस्टिंग में ऐड करो। किसका, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का, जो प्री एक्विजिशन होगा उसको आप डायरेक्टली इन्वेस्टिंग में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ तो ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमको पता है कि यहाँ का जो डिविडेंड है वो 25,000 है, यहाँ का जो डिविडेंड है वो 25,000 है, ये हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, ये हमारा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले प्री एक्विजिशन डिविडेंड की, तो इस डिविडेंड को जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली ऐड कर दो। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को क्या करो, इस डिविडेंड को आप इन्वेस्टिंग के अंदर ऐड करोगे और साथ साथ ऑपरेटिंग से माइनस करोगे क्योंकि पी एंड एल अकाउंट के अंदर आपने रिकॉर्ड कर लिया। कौन से मेथड के अंदर, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपको ऐसा करना है, ठीक है। हम सिर्फ अभी इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो भी आपको डिविडेंड पेबल ये सारी चीज़ें बता रही हूँ किससे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। अगर इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप क्या करते, डायरेक्ट यहाँ से इन्वेस्टिंग में ऐड करते, ये भी इन्वेस्टिंग में ऐड करते, हो गया। क्योंकि आप पीएल का लेते ही नहीं है तो नॉन कैश जो भी होता है उनको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, नॉन ऑपरेटिंग जो भी होता है वो हम ऑपरेटिंग के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं करते। क्या होता अगर मेथड, डायरेक्ट मेथड, लेकिन अभी इनडायरेक्ट मेथड है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा रिलेटेड टू डिविडेंड। अब आते हैं, हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये भी दो हो सकता है, बैलेंस शीट वाली बात है ना। तो अगर करंट ईयर का है तो वो हम, हमारा जो होता है हम क्या करते हैं पीएल से निकाल के अलग रख देते हैं और उसका पेमेंट अभी नहीं होता। पीएल से निकाले हो मतलब माइनस किया होगा आपने और आप पीएल का जो भी अमाउंट है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करने वाले हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड टू प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट फॉर गेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस से ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला हमने ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर वाले का क्या होगा। प्रीवियस वाले को हम क्या करेंगे, टैक्सेस पेड करके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम शो करते हैं, वेदर इट बी अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, दोनों में आप टैक्सेस पेड करके यहाँ पे उसको शो कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, करंट ईयर वाले का इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ही आपको ऐसा करना है, क्योंकि जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात ही नहीं आती, तो आपको ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी ही नहीं पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 350,000 एंड 280,000। क्या करो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लो। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड में ऐड होगा और डेबिट साइड में डिडक्ट होगा। 350,000 हमारे पास पहले से है, एट द एंड हमारे पास ये अमाउंट हो गया 280,000, ठीक है। तो जो पिछले साल का था वो हम इस साल पेमेंट करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट करके आप यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, 350,000। जो इस साल का है वो हम पीएल अकाउंट से निकाल के अलग से रख देंगे, 280,000 आप अलग से रखेंगे। तो ये जो आपने बैंक से निकाला ये हमारा टैक्सेस पेड करके आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। ये जो आपने पीएल से निकाला ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, कहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते समय, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया है आपको और उसके साथ साथ दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या होता है समझिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम बना रहे हैं बाय बैलेंस बॉट डाउन, ये आपके पास है 350,000, टू बैलेंस कैरी डाउन ये आपके पास दिया हुआ है 280,000।
इसके साथ साथ बोल दिया कि प्रोविजन जो आपने इस साल बनाया है वो 3,20,000 है। इस साल 3,20,000 बनाया, मतलब यहाँ पे बाय P&L अकाउंट क्या लिखेंगे हम, 3,20,000, मतलब PL से हमने इतना निकाला है ना। अब PL से इतना निकाला लेकिन ओपनिंग तो ये है और क्लोजिंग तो ये है, तब तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, आपको क्या करना है, 2 बैंक अकाउंट लिख के जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको बैंक से आपने पेमेंट कर दिया होगा, है ना। तो 3,50,000 प्लस अगर आप करें 3,50,000 प्लस 3,20,000 माइनस करें अगर हम 2,80,000 से, तो हमारे पास बचता है 3,90,000। ये क्या किया होगा, हमने बैंक से पेमेंट कर दिया होगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा करना है। अब ये जो बैंक वाला है वो क्या होगा, ये हमारे ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने पेमेंट किया है, और ये हमारे ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय, ऐड करेंगे आप इसको क्योंकि यहाँ पे आपने इसको PL से निकाला है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। नेक्स्ट आते हैं, अब एडवांस टैक्स की बात करेंगे। हम अभी तक प्रोविजन फॉर टैक्स की बात कर रहे थे, अब ये एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो कि आपने पहले से पे करके रख दिया। हमने बात की प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि हमने जो प्रीवियस ईयर का होता है वो हम करंट ईयर में पेमेंट करते हैं, है ना। जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो हम अगले साल पे करेंगे, जो भी टैक्स है हमारे प्रीवियस ईयर का वो हमको अगले साल का जाके पेमेंट करना है, इसलिए हम प्रोविजन बनाते हैं इस साल भी इस साल भी। इस साल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसके अगले साल इसका अमाउंट पे होगा। नेक्स्ट आते हैं एडवांस टैक्स क्या होता है। अब गवर्नमेंट बोलती है कि तुम्हारा जो टैक्स है वो 10,00,000, 20,00,000, 1,00,000, 2,00,000 इतना बड़ा बड़ा अमाउंट है, तो तुम क्या करो उसमें से कुछ अमाउंट जो है पहले से एडवांस पे कर दो। मतलब जो प्रीवियस ईयर का है उसको प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे कर दो, और जो करंट ईयर का है उसको करंट ईयर के अंदर ही पे कर दो कुछ अमाउंट, ठीक है। तो वो जो कुछ अमाउंट होता है वो हमारा एडवांस टैक्स कहलाता है, हमने पहले से ही उस टैक्स को पे कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है 4,04,90,000, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,00,000, टू बैलेंस कैरीड डाउन 4,90,000, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है एडवांस टैक्स, ध्यान दीजिएगा एडवांस टैक्स हमारा एक एसेट है क्योंकि हमने पहले से ही कोई हमारी लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया, मतलब वो हमारा एसेट बन जाता है ना। तो एसेट है तो उसका बढ़ना हम क्या करेंगे डेबिट, और घटना हम क्या करेंगे क्रेडिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हमारे पास दिया हुआ है 1,30,000, और लास्ट में आपको दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,75,000। ध्यान दीजिएगा हमको पता है कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स में आपका ये ओपनिंग 4,00,000 दिख रहा है उसको हमको इस साल पेमेंट करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 4,00,000 इस साल पेमेंट करना है जिसमें से 1,30,000 रुपये आप पहले से पे कर चुके हैं। तो ये जो आपका 1,30,000 है उसको आप क्या करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। बाय प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमने लिखा, ये 1,30,000 रुपये हमने पेमेंट किया है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, अब यहाँ बाय प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू एडवांस टैक्स। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1,30,000, मतलब ये जो 4,00,000 रुपए हमको पे करने थे उसमें से 1,30,000 रुपए हम पहले ही पे कर चुके हैं, बचा हुआ जो अमाउंट है उसको आप टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो 4,00,000 हमारा पेमेंट करना था जिसमें से 1,30,000 हमने पिछले साल ही पेमेंट कर दिया, तो बचा हुआ 2,70,000 हमको इस साल पेमेंट करना है। बच्चा यहाँ पे बाय P&L अकाउंट लिखिए, यहाँ पे 4,90,000 रुपीज़ जो है वो हमारा अगले साल से रिलेटेड हम PL अकाउंट से निकाल के अलग रख देंगे। तो ये हो गई बात प्रोविजन फॉर टैक्स में, हम क्या करते हैं एडवांस टैक्स को यहाँ शो करते हैं जो कि पिछले साल हमने पहले पे कर दिया है ना। नेक्स्ट आते हैं टू बैंक अकाउंट। यहाँ क्यों टू बैंक अकाउंट लिख रहे हैं, हमको पता है कि एडवांस टैक्स जो होता है प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ही पे कर देते हैं, और करंट ईयर का करंट ईयर में ही पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो है ये तो करंट ईयर से रिलेटेड है ना, अब ये करंट ईयर से रिलेटेड है तो करंट ईयर में इसका पेमेंट करना पड़ेगा। सो 1,75,000 हम क्या करेंगे, इस साल पेमेंट कर देंगे। तो देखिए PL अकाउंट और बैंक अकाउंट बस ढूंढना है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट है, ये जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोविजन जो टैक्स था वो हमने पे किया है, तो टैक्स पेड करके आप क्या करेंगे ऑपरेटिंग से माइनस करेंगे। ये जो है आपने ऑपरेटिंग से PL से निकाला है लेकिन इस साल पे नहीं किया, तो ऑपरेटिंग में ऐड करोगे। एडवांस टैक्स जो है ये आपने पेमेंट किया है, तो ये जो पेमेंट किया है आप क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे ऑपरेटिंग में, ठीक है। नीचे जहाँ पे टैक्सेस पेड है वहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो टैक्सेस पेड है, इनकम टैक्स पेड, वहाँ पे एडवांस टैक्स पेड भी है, तो ये एडवांस टैक्स भी यहाँ से डिडक्ट होता है, ठीक है, सॉरी डिडक्ट करेंगे, हमारा पेमेंट हुआ है तो आप डिडक्ट करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से पूरी रिकॉर्डिंग होती है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। हमने प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स समझ लिया, हमने डिविडेंड का देख लिया, अनक्लेम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और आपका डिविडेंड पेबल वाली चीज़, मतलब हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं कि किस तरीके से होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देखेंगे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड के साथ, और सारी चीज़ें वहाँ पे कवर करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर की है, हमने सबसे पहले किया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा दोनों मेथड से, पहला डायरेक्ट मेथड हमने डिस्कस किया, फिर इनडायरेक्ट मेथड देखा, पूरा फॉर्मेट हमने समझा, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दैट इज़ प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड, ये दोनों चीज़ों को हमने इन डिटेल समझा। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम हमारे एग्जाम्पल्स करेंगे रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एंड करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।